उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी के कई जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। ऐसे में कोरोना के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन मुरादाबाद भी पूरी तरह एक्टिव हो गया है, जिसको लेकर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मुरादाबाद जनपद में फिलहाल अभी तक कोई केस नहीं है, लेकिन NCR में जिस तरह से कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके मद्देनजर मुरादाबाद जनपद में भी लोगों को अपनी सुरक्षा के मद्देनजर मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लगातार कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट है और लोगों के कोरोना की वैक्सीन भी लगाई जा रही है। आप बता रहे कि NCR और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार कोविड के केसेस आ रहे हैं। ऐसे में हमें पूरा इस बात को ध्यान देना होगा कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इसको हमें ध्यान देना होगा। हाँ, अपने रूटीन काम हमें करते रहना है, लेकिन अपने रूटीन कामों के साथ ही साथ अपने हेल्थ का भी हमें केयर करना होगा, उस पर भी ध्यान देना होगा। तो मैं सभी जनपदवासियों से गुजारिश करूँगा कि मास्क का उपयोग जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, जिससे कम से कम अपने और अपने परिवार को और समाज को सुरक्षित। सर, कोई स्वास्थ्य विभाग की आपकी तरफ से डायरेक्शन दिए गए हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर बात है, दो पार्ट हैं बेसिकली। एक तो वैक्सीनेशन का पार्ट है, और वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिनका फर्स्ट डोज जिले में लगभग 100% हो चुका है। सेकेंड डोज अभी हमारा कम है, 50% के आसपास है। जो बचे लोग हैं उनका लोग सेकेंड डोज, प्लस जो 60 या अन्य लोग भी हैं उनको बूस्टर डोज देने की जब बात है, बूस्टर डोज भी दिया जा रहा है। अब लोगों का भी सहयोग चाहिए कि लोग आगे बढ़ने वहाँ करते हैं। दूसरे टेस्टिंग की बात है, टेस्टिंग हम लोग बड़े पैमाने पर करा रहे हैं, और जो शासन के हमारे मानक है प्रति टेस्टिंग, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। यदि अपने जनपद में अभी इस तरह के केस नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम लोग लगातार इस पर सतर्क लगा रहे हैं।